अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम मैथ की बुक का पेज नंबर 157 करेंगे, जो आपके पास वर्कशीट नंबर 1 है। वर्कशीट 1 में आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन 60594? 6 का क्या डिजिट है? तो आप यहाँ देख रहे हो, उसका बी ऑप्शन होगा 60000। नंबर 2, इसी तरह से 10 लाख इज सेम एज 10 लाख किसके बराबर होता है इंटरनेशनल वैल्यू में? 1 मिलियन के। इसी तरह आप क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये आपको खुद करने हैं। अब आ जाते हैं पेज नंबर 160, वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, रीराइट दिस फ्रैक्शन इन देयर लोवेस्ट टर्म। आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, आपको इनको लोवेस्ट टर्म में, आपको पता है लोवेस्ट टर्म में कैसे लेकर आते हैं, इनको आप कैंसिल करेंगे एक ही टेबल से। जैसे 16/20 है, तो 16 और 20 कौन से टेबल में आ रहे हैं? 4 के टेबल में। 4 4 16 और 4 5 20, 4/5। अब ये मजीद कैंसिल नहीं हो सकते हैं। इसी तरह बी और सी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, री राइट दिस मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया हुआ है। ये आपको क्लास में भी बताया था कि इन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको फिर इस नंबर में आप प्लस कर लोगे। 3 2 6, 6 और 1 7, 7/2। इसी तरह आप बी और सी भी करेंगे। क्वेश्चन 3 पे आ जाए, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। आप क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे, 17 अंदर होगा और 8 बाहर। 8 के टेबल में 17 नहीं आता, 17 से छोटा 16 आता है। कितने टाइम? 8 2 16, 7 में से 6 या 1, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। आप क्या लिखोगे? जिससे डिवाइड किया है वो नंबर नीचे लिखोगे, जितनी बार आपने पढ़ा है वो यहाँ लिखोगे, और जो रिमाइंडर बच गया वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आप बाकी के 2 भी करोगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको लोवेस्ट टर्म में लाना है, कैंसिल करना है। आपको यहाँ पे बताना है कि इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है। इसी तरह यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को करना है। यहाँ आपको बताना है 1/2 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होते हैं। तो आप 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 सेंटीमीटर आपके पास कितना होता है? 100। तो 2 1 2 2 5 10 और 0 50 आंसर आ गया। 1/5 ऑफ एन आवर, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 60, आपका आंसर आ जाएगा 12 मिनट। 1/6 ऑफ अ डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4 आवर्स, ठीक है। ये आपको 7 तक करना है। इसी तरह आप आ जाए पेज नंबर 161 पे, वर्कशीट नंबर 5। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 99/11, 11 के टेबल में 99 कब आता है? 9 टाइम्स। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन आपके लिए सही है? ए। 2 और 3 को प्लस करेंगे 5, 5 में 4 प्लस किया 9, इसी तरह ए। इसी तरह आप 2 पे आ जाएं, आप इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे। इसी तरह आप इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, 100 के जो आंसर होगा वो लिखोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है? 19 के बाद क्या आपके पास प्राइम नंबर आ रहा है? इसी तरह आप क्वेश्चन 6, 7, 8 भी करोगे, ठीक है।